नमस्कार, मैं हूं हिमा कनौजी और स्वागत है आपका खबर हरियाणा में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। यमुनानगर के तीर्थराज कपाल मोचन में लगने वाले 5 दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक मेले में धीरे धीरे रौनक बढ़ती जा रही है और मेले में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है। यमुनानगर के उपायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेले का जायजा लिया और फ्री में मिलने वाली दवाई की सरकारी दुकानों पर लोगों से बातचीत की, तो वहीं मेले में खाने पीने का सामान बेचने वालों का निरीक्षण भी किया ताकि लोगों को मेले में किसी भी प्रकार की घटिया सामग्री ना बेची जाए, और साथ ही इस बारे में अधिकारियों को भी सचेत रहने के निर्देश दिए। मेला कल से इसका आगाज हुआ था और 14 तारीख तक चलेगा। कल 12 बजे से लोग स्नान करना शुरू करते हैं। वैसे तो जितने भी लगभग 3.5 लाख श्रद्धालु अभी तक पहुंच चुके हैं और 12 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो कल बहुत ज़्यादा रश रहेगा। और 12 बजे जैसे ही 12 बजेंगे तुरंत तीनों सरोवरों में स्नान करके और लोग अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। पीढ़ी बधाएगी, यहाँ तो ले जा।